बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये एक छोटा सा वाकया आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। एक दफा क्लास में दाखिल होते ही उस्ताद ने व्हाइट बोर्ड पर एक लंबी लकीर खींची और क्लास में मौजूद सब तालिब इल्मों से कहने लगे कि तुम में से कौन इस लकीर को हाथ लगाए बगैर छोटा कर सकता है। सारी क्लास खामोश हो गई क्योंकि उस्ताद ने नामुमकिन बात कही थी। सभी ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है, लकीर को छोटा करने के लिए मिटाना पड़ेगा, जो हाथ लगाए बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। उस्ताद ने गहरी नजरों से सबकी तरफ देखा और फिर कुछ कहे बगैर व्हाइट बोर्ड पर उस लकीर के नीचे एक लंबी लकीर खींच दी, जिसके बाद सबने देख लिया कि अब पहले वाली लकीर छोटी नजर आ रही थी। उस्ताद ने उस पहली लकीर को हाथ लगाए बगैर छोटा कर दिया था। तालब इल्मों ने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, दूसरों पर तनकीद किए बगैर और उनसे हसद किए बगैर उनसे आगे बढ़ने का हुनर उन्होंने चंद मिनटों में सीख लिया था कि अपने आप को इखलाक में, किरदार में और अमल से दूसरों से आगे बढ़ा लो, तुम खुद ब खुद दूसरों से बड़े नजर आने लग जाओगे। मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ और सबक आमोज वाकयात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।